सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग सिंधु डेरा। सो गाइस, हम आए हैं अभी प्लांट पार्टी में। हिमांशु की है कल एनिवर्सरी। हिमांशु को आप सब जानते होंगे, ज़्यादातर मेरे ब्लॉग में, मेरे रील्स में, मेरी स्टोरी में समय मिलता है वो। ये क्लिप मैं पहले ऐड करूंगी। हम आ तो जल्दी गए थे बट म्यूजिक था, इस वजह से मैंने ब्लॉग शूट किया है, लेकिन ये क्लिप पहले डालूंगी, फिर वाली क्लिप डालूंगी। और रात के बज चुके हैं 12, दोनों साथ में हम जा रहे हैं घर। फोन की स्टोरीज ठीक कर रही, स्टोरीज फुल हो गई मेरे वाले फोन की, अभी ब्लॉग बनाएंगे फोन में। नहीं है, मैंने चेक किया था ना, फिर कल सुबह कंटिन्यू करती हूँ या फिर बॉजी के पास आने के बाद मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। कल हमें आना है पार्टी में, बॉजी के घर। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने रात का ब्लॉग देखा था, हम भाग गए थे पार्टी करने, हिमांशु की एनिवर्सरी है उसको एंजॉय करने के लिए। और अब आज हमें जाना है हिमांशु बुआजी के घर पे। और मैंने सोचा पहले सुबह का थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ। सुबह का क्या, 11:30 हो रहे हैं, तो अभी तो गुड मॉर्निंग का ही टाइम है, इसलिए मैंने कहा गुड मॉर्निंग और थोड़ा सा काम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत शादी की रंगावट अभी तक नहीं उतरी है। थोड़ा सा काम कर लेते हैं, काम करने के बाद होना है रेडी। ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत काम है, जैसे कि खाना बनाना है, सिर्फ उसे बनाने के बाद मैं रेडी हो जाते हैं। रेडी होने के बाद कंटिन्यू करेंगे। और आज का डिसाइड कर लिया मुझे क्या पहनना है, मेरे पास अभी आया है, मैं आपको दिखाऊंगी मुझे क्या पहनना है। अभी नहीं दिखाना है, जब मैं तैयार हो जाऊंगी, तैयार होने के बाद मैं दिखाऊंगी कि मैंने मेरे पास क्या आया है और कहाँ से आया है, मैं आपको पूरा उसकी डिटेल में बताऊंगी। बट अभी मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद इसे कंटिन्यू करती हूँ। सो हे गाइस, दोपहर मैं हो चुकी हूँ तैयार और मैं आपको पूरा सूट अभी दिखाती हूँ। और हाँ, सबसे बड़ी बात गाइस, मैं आपको एक बात बताना यार, चीजें मैं आ रही हूँ, सॉरी यहाँ का, ठीक है। हाँ तो गाइस, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताना भूल चुकी हूँ। वैसे मैं बहुत लेट हो रही हूँ, जल्दी में थोड़ी सी क्लिप अभी शूट कर रही हूँ। मैं आपको ना एक बात बताना भूल गई थी, और वो क्या है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। मैं अपना पहले कैमरा साफ कर लेती हूँ। हाँ सो गाइस, मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ अब। वैसे बताना क्यों आपको, आपके लिए भी एक सरप्राइज है। मैं अब जा रही हूँ, वो अब आपके लिए सरप्राइज होगा, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं बताऊंगी नहीं। वो आपको मैं मतलब वहीं जाके आप देखोगे, आपको भी सरप्राइज मिलेगा। और बताऊंगी क्या सरप्राइज है, पहले दिखाऊंगी फिर मैं बताऊंगी उसके बारे में। सो आप वेट करना। वैसे जब वेट क्या करना, लास्ट में वो लाइट लास्ट में बीच में वो क्लिप मिल जाएगी आपको कि क्या सरप्राइज है आपके लिए। सो मैं जाती हूँ नीचे, क्योंकि बार बार ये फोन कर रहे हैं कि नीचे आ जाओ, हम लेट हो रहे हैं। जिंदगी बहुत बसड़े आई, बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग तो करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है क्या क्या करूँ समझ नहीं आता, क्योंकि बहुत मतलब मेरी लाइफ इतनी बिजी है, मैं बता नहीं सकती हूँ। सुबह से शाम लग जाती है बिजी होने में। और दूसरा, मैं आपको ये सूट दिखाऊंगी अपना पूरा, बहुत 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 प्रीटी सूट है। कहाँ से मैंने लिया था या कहाँ से वो आया है आपको मैं सारा बताऊंगी, पर अभी नहीं, अभी मैं चलती हूँ नीचे, वरना मुझे डांट पड़ जानी है, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। सब देखेंगे, अब सब देखेंगे तो क्या कर सकते हैं।
मैं तो चालू कर दे तो आवाज ना रही मेरी। तूने रिपीट करी कोमल की, तुम जब आवाज आई ना रही, अन्ना क्लियर होएगा तो मैं नाम ले दिया। सो गाइस हम है गाड़ी में और कौन करा हो गए आवाज आगे से कंटिन्यू करती हूँ जाके ना तेरी मो नवीन बॉबी मो फूफा तो दिख जावे वाला बहन के अच्छा लगते कभी डिब्बे लटका रहे नहीं नीचे आप इधर जब हां देखती अरे वो देखो उनकी डिब्बी लटका रहे कुछ सामान को कह रहे ऐसे दिख रहा है उनको थैला लटका रहे होंगे मैं कि वही लटका रहा है कि इंगल लटक रहा है कह रही हूं वाला ना पता मैं कि तू आज जाएगी ना जब देख लेंगे सो गाइज यहाँ आपको पता चल गया होगा मेरा सरप्राइज़ क्या है। मेरा सरप्राइज़ है आपको बैठी दिखाई दे रही है सामने कोमल, यही था आपके लिए मेरा सरप्राइज़ कि अब आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गए मैं कोमल के पास हुआ कोमल मेरे पास है। कोई बात नहीं उसका भी हम बताएंगे क्या है कैसे हैं। आप एंजॉय करो मेरा ब्लॉग। मैं बॉजी के पास और यहाँ पे है कोमल, बताऊँगी कैसे है। बन गए तो माँ जी देख अरे आप कैसे रह गए? ओके हेलो गाइस मैं पेप्सी पी रहा हूँ। वेरी गुड, बोलो गाइस लाइक करो, लाइक करो, उनको दिखा लो, इनको भी दिखाना है। मम्मा कैमरे में के सामने नहीं आती, मैं थोड़ी देर में करते हैं कंटिन्यू। ओके सो गाइस ये खा रहे हैं समोसा, इसका नाम है यूवी। यूवी नाम है ना आपका? गुड। ओके सो गाइस थोड़ी देर में करते हैं कंटिन्यू, थोड़ा मतलब नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करने के बाद मैं इसे करती हूँ कंटिन्यू। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके लिए सरप्राइज है, नहीं बता इंग्लिश छत पे आई, मैं नीचे नहीं बता पा रही थी क्योंकि सब थे तो थोड़ा सा लगता है बच्चों का शोर आ रहा होगा, बच्चे खेल रहे हैं पीछे। और सरप्राइज़ आपको पता चल ही गया होगा, सरप्राइज़ ये है कि मैं आई हूँ यहाँ पे बॉजी के यहाँ पे और यहाँ पे कोमल भी है। ये आपके लिए सरप्राइज़ था कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ हमें कोमल भी मिलेगी। अब आपका काफ़ी क्वेश्चन मन में आएंगे कि ये अपने बॉजी घर गए हैं तो वहाँ कोमल कैसे है, तो यही मैं बताऊँगी गाइस कि मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे कोमल यहाँ कैसे मिली। अगर आपको ये जानना है तो मुझे कमेंट करना, मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी कोमल मुझे यहाँ कैसे मिली। बताना यही बनता है जब किसी को इंटरेस्ट आता है जानने में, अब मैं ऐसे ही बता दूँ किसी को नहीं जानना हो तो फिर फायदा नहीं ना, तो इसलिए अगर मुझे ज़्यादा नहीं एक दो कमेंट भी आ गए तो मैं उन्हीं के लिए भी ब्लॉग बना दूँगी कोमल मुझे यहाँ कैसे मिली है, कैसे आई है, मैंने बुलाया है, क्या हुआ है, कुछ भी होगा जो मैं क्लियर कर दूँगी आपको। सो मुझे बताना। और मैं उस टाइम छत पर क्यों मुझे रील बनानी थी, प्रमोशन की मेरी रील थी तो वहाँ मुझे निश्चय कराना, मैं आपको इसमें सूट दिखाती हूँ या मेरी रील भी देख लेना सूट, मेरे सूट बहुत औसम है वैसे तो, मेरे सारे सूट अच्छे होते हैं देखो, सॉरी लेकिन अच्छे होते हैं बट। और आप बताना, आप मुझे बता ज़्यादा सकते हो, मेरे कहीं से गिर गया तो मुझे बताना मेरा सूट कैसा लगा ये वाला। और मैं आगे बता ही दूँगी ये सूट मैंने कहाँ से मंगाया है, जहाँ से मंगाया मैं आपको उनका बता दूँगी अपने इंस्टाग्राम पर। और पता नहीं ब्लॉग पे तो बनाऊंगे अगर, खैर इंस्टाग्राम पे सब मुझे देखते हो क्या, ब्लॉग पे बताना जहाँ से भी आया, बहुत सुंदर है, बहुत 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 औसम है, इससे ज़्यादा मैं इनकी इस सूट की क्या तारीफ करूँ। छत भी आई थी बताने के लिए कि सब नीचे बैठे थे बॉजी के पास, बॉजी चाय बना रही थी, मैंने कहा मैं एक बार ऊपर जाके वीडियो बना लेती हूँ और आपको आगे का कैप्चर मिल ही जाएगा मेरा, तो मुझे ये बताना मेरा सरप्राइज़ आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत पसंद है सरप्राइज़, और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे सरप्राइज़ देना, तो मैंने सोचा आपका सरप्राइज़ मैं अपनी YouTube फैमिली को देती हूँ, जब मैं सबको देती हूँ तो YouTube फैमिली के लिए भी बनता है सरप्राइज़ देना। अब मैं नीचे चलती हूँ वरना मेरा यहीं बक 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 यहीं चालू रहेगी, कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ का। नीचे चलते हैं, नीचे जा कंटिन्यू करूँ क्योंकि सिटी में थोड़ा सा अंधेरा है, मैं नीचे जाके इसे कंटिन्यू करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे हिमांशु की कटिंग, I'm gonna go.
मालिक ऐसा फोन ऑफ नहीं करते नहीं ऐसा नहीं करते लगा यार बात तो सुनाएगी उठा लो दिलेर हम दिलेर खाना खाते हुए आज की दुल्हन आज इसकी एनिवर्सरी है हिमांशु की वाइफ हिमांशु सुजल है वो कार्तिक है आदित है मीठा भी खाना है कौन सी ये मैंने बहुत खा लिया अच्छा अपने बिना तो गुजारा ही नहीं ब्लॉग कैसा लगा और फिलहाल में मैं हूँ कोमल के घर पे कोमल बाहर है मैं इसे दिखाती हूँ वरना यहाँ पे होती यहाँ पे नहीं होती ये ओह माय गॉड बड़े का फर्ज होने लगा अरे समझा रहे घर दिल नहीं कर रहा को मैं दिल कर रहा मैं छोड़ने का कर रहा होगा दिल कैसी जल्दी जाओ मैं सोऊंगी सो गाइस घर चलते हैं स्लोकर में यहीं पे एंड करती हूँ बन गया सब बाहर खड़े हैं बहुत अजीब विदाई चल रही है अच्छा विदाई ना मैं ऐसे मांगूंगी लेट हो गई करती हूँ कोमल कोमल राम राम दिखे हमी राम राम तब तो भूल जाओगी हम तो याद किट्टू राम राम कभी फेर मिले रौनक राम राम कभी फेर मिले रौनक राम चलो 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 आप बोलिए वो कैसे बकवास कर रहे हो वो हमारी बॉर्डर रख के सुन आप रोई हो सुन जब मैं बहुत दूर ही रोना है रोना है अभी नहीं कपड़े चेंज कर दो फोटो देखेगी ठीक है चलो 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 बाय 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 सो गाइस चलो हम चलते हैं अब घर अभी ये मिला है कि अभी है अभी हम विदा ना करेंगे तो ओके सो गाइस ये मिला है
ठीक है, फिर करते कंटिन्यू। ओके ओके बाय। अब आप अपने घर जा सकते हो। ओके गुड नाइट। नहीं,